हेलो दोस्तों, माइनक्राफ्ट की इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के एक ऐसे एड ऑन के बारे में, जिस एड ऑन से आपका नॉर्मल माइनक्राफ्ट का गेम बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगा। मतलब आपको एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। अच्छा, कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, और तो मैं क्या बताऊं, ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी, जो आपको मज़ा आ जाएगा मतलब खेलने में। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, और फिर चाहे वो भले ही क्यों ना मॉब्स की बात कर लें, इस एड ऑन को ऐड करने के बाद आपको ऐसे ऐसे मॉब्स देखने को मिलेंगे, जो फिर चाहे वो भले ही क्यों ना हो आसमान में उड़ने वाले ड्रैगन्स ही क्यों ना हो, या फिर ज़मीन पे रेंगने वाली मकड़ियाँ, या फिर एक बॉस मॉब जो अपने पास आते ही फोड़ देता है अपन को। हाँ, ये बात अलग है कि अपन उसको दूर खड़े रह के मार सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने को। एड ऑन का नाम बताना तो भूल ही गया, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगी मुझे, तो जल्दी से बता देता हूँ। और इस एड ऑन का नाम है स्प्रे कॉन्क्वेस्ट। भाई, नाम ही बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है। और इस एड ऑन को इन्होंने बनाया है, नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब चलो दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है अपन को, और बहुत कुछ है देखने को। मेरे को लगता है वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बनने वाली है, और शायद मुझे ये भी लगता है कि आप ये वीडियो पूरी तो नहीं देखने वाले हो तो भी चलो चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है एक एल्फ जिसने हाथों में तीर कमान लिया हुआ है। मतलब अगर अपन इसको एक फटका मारेंगे तो अपन को तीरों से मारेगा, जोर जोर से। तो इसको अपन को मारना अवॉइड करना है थोड़ा और इससे अपन चाहे तो ट्रेड भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें लेता है, ट्रेडिंग भी करता है। देखो, इसके लंबे लंबे कान हैं, शायद इसीलिए एक एल्फ है। और इसके स्पॉन होने की लोकेशन ये बर्च फॉरेस्ट ही है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और दोस्तों, ये मॉब जिसका नाम आपको वहाँ ऊपर दिख रहा होगा, ये मॉब इतना ज़्यादा यूँ है कि जितने भी मॉब्स हैं ना, मतलब जो भी ऐड होंगे इस एड ऑन को ऐड करने के बाद, जितने भी मॉब्स ऐड होंगे, ये मॉब उन सभी मॉब्स का दुश्मन है। मतलब अगर ये किसी भी मॉब के सामने आ गया ना, तो वो इसको मार देगा, पता नहीं क्यों। ये पता नहीं ऐसा ही है, पर ऐसे लग तो अच्छा रहा है। और दोस्तों, जो अगला मॉब है वो बेसिकली एक मॉब तो नहीं है, पर है तो मॉब ही मतलब ये है तो आदमी जैसा, पर ये एड ऑन को ऐड करने के बाद ऐड होगा। और ये है एक मॉब ही, इसका नाम है ड्वर्फ, और ये हाथ में पिकेक्स लेके रखता है। क्या पता एक पिकेक्स का करता क्या है, ये मुझे नहीं पता। पर ये जहाँ जब भी कहीं पे भी स्पॉन होता है, तो ज़्यादातर ही केव्स के पास ही स्पॉन होता है, और ये झुंड में स्पॉन होते हैं। मतलब यूँ नहीं है किसी पे एक ही स्पॉन होगा, 5-6 एक साथ होते हैं, और एक फटका मारते ही ये अपन को कुछ ज़्यादा ही मारेंगे। 5-6 झुंड में होंगे, सब एक साथ मिलके मारते हैं। और इसके साथ ट्रेड भी की जा सकती है, ये बहुत सारी चीज़ें लेता है। वैसे तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्केलेटन्स तीर धनुष हाथ में रखते हैं और मारते हैं, पर इस एड ऑन को ऐड करने के बाद वो थोड़े अपग्रेड हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आर्मर लेके वो हो सकते हैं, और तीर हाथों में तलवार ले सकते हैं। और ये एक मॉब और है लाल कलर का, ये गोब्लिन की एक प्रजाति है जो हाथों में एक्स लेके रखती है और बहुत ज़्यादा ही मारती है, इनका डैमेज बहुत ज़्यादा है। और ये एक मोटा ये भी है। वैसे तो इस एड ऑन को ऐड करने के बाद आपको माइनक्राफ्ट में 3 प्रजातियाँ देखने को मिलेगी इस गोब्लिन की, एक सबसे छोटी, फिर एक सबसे बड़ी, और एक सबसे ज़्यादा बड़ी। और दोस्तों, ये मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, ये एक एल्फ है, और इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं अपन। बस मारना नहीं इसको, बाकी ये तीरों से मारेगा अपन को। ये देखो, ये तीर लेता है और ये सब, और ये फिर बाद में बढ़ भी सकते हैं, फिर बाद में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देगा। और दोस्तों, स्केलेटन के बारे में एक बात और बतानी थी। इनमें
ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल तीर धनुष वाले गायब भी हो जाएंगे इन स्केलेटन वर्ल्ड में, तलवार वाले और तीर वाले दोनों रहेंगे। मतलब ये तीर और तलवार दोनों से ही मार सकते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये ड्रैगन उड़ रहा है और ये फायर ड्रैगन है और एक आइस ड्रैगन भी होगा। और देखो जैसे ये ड्रैगन का डेन है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे ड्रैगन सोता है और आग उगलता है। ये देखो जो आग लगा रखी है और ये काले काले पत्थर यहाँ पे रहता है। और इसने बेचारी गाय को मार दिया, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को मारने की। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस एड ऑन को ऐड करने के बाद आपको दो तरह के ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर, एक तो है फायर ड्रैगन और एक आइस ड्रैगन। और दोनों अगर कभी गलती से एक दूसरे के सामने आ जाए तो आप देख ही सकते हो कि क्या होगा या क्या हो रहा है। बुरी तरह से मार रहे हैं एक दूसरे को। तो ये देख सकते हो आप बड़ी सी मकड़ी रानी, और दोस्तों ये कुछ तलवार ऐड हुई है। देखो जैसे कि ये जैसे ग्लेसिक ब्लेड, पायर ब्लेड, गैल्वा ब्लेड, ड्रैगबोन ब्लेड, एग्रिट स्वॉर्ड, एग्निट क्लेमोर, ये कैसे नाम है भाई, बेकार बेकार। और देखो जैसे मकड़ी उगरा नहीं, देखो इसके पीछे क्या है इतना बड़ा वाइट वाइट। और मेरे को एक दो और ये एक अल्फा स्पाइडर जो भी सब आई है आपको केव में देखने को मिलेंगे। और मैं इसको थोड़ा मारता हूँ, देखता हूँ कितने हिट में मरती है। एक दो तीन या चार हिट में मर गई। तो तलवार खतरनाक है, फायर वाली देखते हैं, फायर स्वॉर्ड का। तीन चार पाँच, इसमें पाँच हिट में मरी, तो उसमें जल्दी मरी थी। चलो इस रानी को मार के देखते हैं जी ये कितने हिट में मरेगी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, अरे बाप रे कुछ ज़्यादा ही मार दिया, मार नहीं रही है। ओके भाई पाँच पंद्रह बीस हिट मारने के बाद मरती है, इसीलिए शायद ये रानी है। एक तरह से बॉस मॉब कह सकते हो आप इसको, माइनक्राफ्ट का मतलब इस एड ऑन को ऐड करने के बाद होगा जो। और कुछ आर्मर भी देखने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, जैसे ये देखो ये तीन नए आर्मर्स देखने को मिलेंगे आपको इस एड ऑन को ऐड करने के बाद, जो कि ये हैं ये वाले। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी, जैसे रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आर्मर में अगर आप जाओ तो आपको कुछ ऐसे दिख जाएंगे, एग्निट हेलमेट, ड्रैगबोन हेलमेट और मैथेरल हेलमेट, और चेस्ट प्लेट में भी ऐसे ही मिलेंगे, मतलब सभी ऐसे ही मिलेंगे आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है जैसे, अरे एक सेकंड रुको मेरे को ये सब कुछ पहले अंदर डालना पड़ेगा, कचरा बहुत हो गया, कचरा तो नहीं वैसे बस सब काम की चीज़ें हैं। और ये देखो तीन जादुई डंडियाँ तो क्या मतलब मैजिक स्टाफ्स है, जैसे ये फायरबॉल स्टाफ। ये देखो मज़ा आता है इसके आग के गोले फेंकने में, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है सही में। और ये देखो और ये है फ्रॉस्ट ब्रिंजर स्टाफ, ये बर्फ़ के गोले फेंकता है। ये देखो घर डब्बे बना दिए मैंने बहुत सारे, मज़ा आ रहा है। और ये है थंडर स्ट्राइक स्टाफ, बिजली फेंकता है। ये स्टाफ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इससे मस्त स्टाफ लगा ही नहीं मुझे कुछ। और देखो बिजली गिराएंगे इससे, ये देखो। और कोई है क्या, ये है ये देख। और शायद इसमें इंचेंटमेंट भी लग सकती है। अरे मैंने आर्मर जला के रख कर दिया। चलो इस रानी के ऊपर बिजली गिराते हैं थोड़ी सी, देखते हैं ये कितने बिजलियों में मरती है। वैसे ये मरेगी नहीं, इसकी एचपी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सही में। और कौन है, चलो मैं आग के गोले फेंकता हूँ, आग के गोले रोशनी करने में सही काम आते हैं यार, टॉर्च की ज़रूरत ही नहीं है। और अब मैं थोड़ा जाता हूँ थर्ड पर्सन में, और जैसा कि आप ये देख पा रहे हो ये मैंने ले रखा है बूढ़े बाबा का डंडा, और ये डंडे पे कलर चेंज हो रहे बार बार। मस्त है। देखो आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। और दोस्तों एक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज़ें स्पेल टेबल, ये चीज़ ऐड होगी शायद इस स्पेल टेबल से बनेंगे ये जादुई डंडे अपने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रुको मैं इस सेकेंड इसको प्लेस करता हूँ, कहाँ पे करूँ, हाँ यहाँ पे हो गया। अरे कहाँ गया वो, अरे ये उधर दूर है। अरे थर्ड पर्सन में खेलना बहुत मुश्किल है वैसे तो यार। हो जा क्लिक हो जा। हाँ ये हुआ। और देखो ये चीज़ें ऐड होगी इस एड ऑन को ऐड करने के बाद, जैसे ये देखते हो कैग, कंज्यूमर टेबल, इल, मैड,
मग वाइन सस्पिशियस चेस्ट इग्नोर्ड इनगर्ट इग्नोर्ड नगेट रॉ नगेट गैलवा शार्ड क्लासिक शार्ड पायर शार्ड मथाइल इनगेट मतलब कुछ कुछ नई ओर्स भी होगी एक दो नए ओर्स जिसके आर्मर बनेंगे ऐसे नई नई चीज़ें। और देखो जैसे ये कुछ इन्होंने ये टोटम्स भी डाल रखे हैं फायरबॉल स्क्रोल्स फ्रॉस्ट पिंजर स्क्रोल सोरिंग स्क्रोल ये शायद सब कुछ ये टोटम डाल रखे हैं टोटम ऑफ डिकॉय एम्बर्स फ्रॉस्ट प्रेयर मैरगो स्वॉल बेंडिंग भाई साहब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा ये सब चीज़ें क्या है पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये शायद सारी चीज़ें ये चीज़ें भी ऐड हुई है जैसे देखो ब्लॉक ऑफ मथाइल ड्रैगबोन ब्लॉक क्रैश्ड कोबल स्टोन पता नहीं क्या क्या है नई नई चीज़ें और ये इग्नाइट ब्लॉक ये भी ऐड हुआ है। ऐड तो क्या हुआ है मतलब इस एड ऑन को ऐड करने के बाद ऐड होगा वैसे तो इसका आर्मर बनता है मतलब इस नगेट इनगट का बनेगा जो इस एड ऑन को ऐड करने के बाद। और ये कुछ चीज़ें भी ऐड होगी जैसे ये देख पा रहे हो आप ग्लेसिक स्पाइक्स पायर स्पाइक्स ड्रैगन बोन स्पाइडर एग स्पाइडर मील एश रूट स्पाइडर हार्ट मजा नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब वाह यार बहुत सारी चीज़ें ऐड करी यार मज़ा आ गया भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है इस एड ऑन में मैं सोच रहा हूँ इसको खेलूँ पर क्या पता मैं खेल सकता हूँ कि नहीं। और दोस्तों आपको इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि ये देखो एक ये रहा यहाँ पे ये देखो लाइटें लग रही है और ये लग तो अच्छा रहा है यार अंदर ड्वर्ब्स ही ड्वर्ब्स भर रखे हैं ब्लास्ट फर्नेस लगा रखी है पिकेक्स ले रखी है हाथ में चलो नीचे चल के देखते हैं कि क्या मिल सकता है यहाँ पे। ओ यहाँ पे एक चेस्ट है क्या है इसमें ओ आर्मर वाह यार अच्छी चीज़ है तो अच्छा ये दूसरी चेस्ट है क्या अरे नहीं ये तो वही है मैंने फालतू में पापा को खोल दी। हेलो सर क्या कर रहे हो फालतू में घर में घुस गए इनके चलो बाहर निकलता हूँ जल्दी से। ये क्या है ये नल लगा रखा है कैग नाम इसका पता नहीं क्या है मैं बाद में ढूंढ लूँगा। ओके सर फालतू में घुस गया आपके घर में बाय। और ये एक स्ट्रक्चर और मिला ये स्ट्रक्चर भी मैंने ढूंढा था बहुत मुश्किल से मिला ये और भाई अंधेरा कुछ ज़्यादा नहीं है यार बहुत ज़्यादा अंधेरा है यार। ओ भाई साहब क्या स्ट्रक्चर बना रखा है क्या स्टेज में ओहो कॉपर गोल्ड रख सके वाह यार वेरी गुड। और ये अरे मगी मग लगा रखे टॉर्चेस लगा रखी वाह अरे अरे ग्रीन सांड तू यहाँ क्या कर रहा है वैसे तो हेलो हम आपके घर में फालतू में घुस गए और अब हम सब चोरी कर लेंगे सॉरी पर कोई नहीं चलो चलता है इतना तो मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में शायद आपको एक लिंक मिला होगा वो लिंक को आप अगर खोलोगे तो वो शायद क्रोम में खुलेगा और वो क्रोम में ही खुलना चाहिए जो कि रुको एक सेकंड में डिलीट करूं ये मैंने पहले सर्च किए हुए थे ये फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिला उस पर दबाओगे तो शायद वो क्रोम में खुलेगा और वो क्रोम में ही खुलना चाहिए फिर आप कुछ ऐसी वेबसाइट पर पहुँच जाओगे MCPDL वाली तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको ये देखो सब कुछ जानकारी दी हुई है इसमें कि जो जो जानकारी कुछ कुछ मॉब्स का तो शायद मैं भी बता नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी कुछ कुछ का नहीं बता पाया मैं उसके बारे में भी इधर जानकारी दी हुई है सब कुछ तो अगर आप चाहो तो सब कुछ पढ़ सकते हो अच्छे से समझ जाओगे अच्छा, आप हमको सिखा दिया है अच्छा वैसे मैं बोल के थक गया हूँ आप अब आप आगे का आप देखते रहो और मैं आता हूँ थोड़ी देर में।
ओह ये मैं वापस आ गया। और ये देखो भाई लोगो, ये देखो यहाँ पे ये वार्निंग लिखी हुई है कि अगर आप इसको एड ऑन को यूज़ करें तो कम से कम बनाने वाले को क्रेडिट देना होगा, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है। और दोस्तों ये चार ऑप्शन एक्सपेरिमेंट्स में जो माइनक्राफ्ट में आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के चार ऑप्शन ये आपको ऑन करने ही पड़ेंगे, बाकी वरना ये एड ऑन वर्क ही नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा ये एड ऑन। तो फिर नीचे मीडिया फायर के लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे दबा देना है अपन को, जो डायरेक्ट मीडिया फायर में पहुँच जाएंगे, फिर बस डाउनलोड कर लेंगे इसको। और तो क्या करना है, थोड़ा सा हो रहा है शायद। ओके ये हो गया, अब थोड़ा सा मैं ये इस पे दबाऊंगा और डायरेक्ट माइनक्राफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, इस पे दबा दूंगा, हो गया मेरा काम। और अब एक मिनट का वेट करते हैं, होने देते हैं इसको चालू। ओके ये हो गया चालू, इंपोर्टिंग स्टार्ट तो हो गई पर सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि डुप्लीकेट पैक डिटेक्टेड है, मतलब पहले से ही मैंने ले रखा है ये पैक, इसलिए वापस नहीं आया इसमें। बाकी आपके साथ ऐसा नहीं होगा, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्लोबल रिसोर्सेज में, माय पैक्स में, ये देखो मेरे पास पहले से ही पड़ा है इसमें, इसलिए वो नहीं आया। बाकी आप में ऐसा नहीं होगा, आप में हो जाएगा सक्सेसफुली इम्पोर्टेड। तो चलो ये भी बता दिया कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, चलो अब क्या करें। दोस्तों एक चीज़ और जो मैं शायद आपको बताना भूल गया, ये एक तरह का ड्रैगन की प्रजाति है शायद, पर पता नहीं मैं वो ये ड्रैगन है कि नहीं, पर इस ड्रैगन के ऊपर सैडल लगा के इसको राइड कर सकते हैं अपन, जैसा कि आप देख सकते हो मैं उड़ रहा हूँ। और बस कुछ नहीं, बस यही बताना था एक चीज़। और वैसे मेरे को लगता है आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन चुकी है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। और मैं राइड का मज़ा ले रहा हूँ, भले ही वो आसमान में हो या ज़मीन पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।